चंबल में रेत माफिया को लेकर वन विभाग और पुलिस के बीच तनातनी सामने आती रहती है। एक बार फिर पुलिस और वन विभाग आमने सामने आ गए हैं। गुरुवार रात रेत माफिया ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। इस मामले में डीएफओ ने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। डीएफओ स्वरूप दीक्षित का कहना है कि टिंटरा टीआई ने समय पर मदद नहीं की। इसके बाद एसपी आशुतोष बागरी को कॉल किया, तब जाकर फोर्स भेजी गई। तब तक देर हो चुकी थी। डीएफओ स्वरूप दीक्षित का कहना है कि हमला करके माफिया भाग चुके थे। अगर थाना प्रभारी समय रहते फोर्स भेज देते तो माफिया हावी नहीं हो पाते। गुरुवार रात करीब 8 बजे टिंटरा थाना क्षेत्र में चंबल के बरेठा घाट पर लोडर मशीन से 40 से 50 लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों में रेत भर रहे थे। वन विभाग की टीम ने यहां छापा मारा। टीम जब ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर ले जाने लगी तो रेत माफियाओं ने टीम को घेर लिया, पथराव करने लगे, फायरिंग की, पत्थर मार कर तीन गाड़ियों के कांच भी तोड़ दिए। हमले में वन विभाग के कर्मचारी घायल हो गए। स्थिति बिगड़ती देख वन विभाग के रेंजर ने टिंटरा थाना प्रभारी जयदीप सिंह भदौरिया को फोर्स भेजने के लिए कहा। आरोप है कि उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद रेंजर ने डीएफओ स्वरूप दीक्षित को हालात के बारे में बताया। डीएफओ ने तुरंत एसपी आशुतोष बागरी से बात की। एसपी ने तुरंत मौके पर फोर्स भिजवाई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वन विभाग की टीम को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। टिंटरा थाना प्रभारी जयदीप सिंह भदौरिया का कहना है कि 8 दिसंबर को मैं अवकाश पर था, ग्वालियर शादी में जाना था, रेंजर का फोन आया था तो मैंने कहा कि कल कार्यवाही कर लेते हैं, लेकिन वह नहीं माने, अकेले ही कार्यवाही करने चले गए। थाने में 17 लोगों का स्टाफ है, जिसमें से 2 से 3 लोग अवकाश पर थे, 1-2 लोग कोर्ट काम में बिजी रहते हैं, स्टाफ कम था, इसने इनकार कर दिया था। आरोप है कि इस घटना के करीब 15 दिन पहले टिंटरा थाना प्रभारी जयदीप सिंह भदौरिया वन अमले के साथ बदसलूकी कर चुके हैं। घटना यह भी थी कि वन विभाग के अमले ने थाने से कुछ दूर एक ट्रैक्टर ट्राली को चंबल के अवैध रेत ले जाते पाया, उसे जब्त कर लिया। वन आरक्षक अभिषेक दंडौतिया ने पंचनामे में बताया कि 20 नवंबर 2022 की रात ये कार्यवाही की गई थी। उसी दौरान टिंटरा थाना प्रभारी जयदीप भदौरिया स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे, कहने लगे कि इस ट्रैक्टर ट्रॉली को उन्होंने पकड़ा है। वन अमले द्वारा जब वन संरक्षण अधिनियम की धाराओं का हवाला देते हुए ट्रैक्टर चालक के खिलाफ कार्यवाही की बात कही गई। आरोप है कि इस पर थाना प्रभारी ने मौजूद आरक्षक से कहा कि इसे अंदर कर दो, उसने वन आरक्षक को लॉकअप में बंद कर दिया, साथ ही थप्पड़ भी मारा। थाना प्रभारी ने कार्यवाही की धमकी भी दी।